प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट 7 के थर्ड चैप्टर को डिस्कस किया था कि थर्ड चैप्टर यानी कि इवोल्यूशन क्या है। अब देन इसके बाद हमारे लिए इसके जो टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके स्टडी करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैव विकास, या फिर हम कह सकते हैं विकास के प्रमाण यानी कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से मतलब एविडेंसेस हैं या जो ऐसे प्रूफ हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि सरल जीवों से ही जटिल जीवों का निर्माण हुआ है, या हम कह सकते हैं कि जो आदि मानव था आदि मानव के युग से वर्तमान मानव जो है उसका विकास हुआ है। तो इनके लिए हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि आदि मानव से आज के मानव का विकास हुआ है, क्योंकि जो आज का मतलब आज की जो जनरेशन है उसे हर चीज़ में एविडेंसेस की ज़रूरत होती है, हर चीज़ प्रूफ की ज़रूरत होती है। ऐसे हम नहीं कह पाएंगे कि किसी भी जीव से दूसरे जीव का विकास हुआ है या ये उनके पूर्वज हैं। तो इस कारण से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ ऐसे एविडेंसेस को इकट्ठा किया जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो विकास है, विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती रही और आज के विकास का आज के जो ह्यूमन है या आज की जो मानव जाति है उसका विकास हुआ। तो जो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है इसमें अलग अलग साइंटिस्ट आए और बहुत सारी इसकी जो फील्ड हैं या बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं उन सभी में हमें इसकी स्टडी करनी है। तो इसमें अलग अलग शाखाओं में हम इसकी अध्ययन करेंगे क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने जैव विकास को जीवाश्म से संलग्न करके बताया कि कैसे जो जीवाश्म थे उनकी जीवाश्मों की संरचना का अध्ययन करके उनने हमें बताया कि आज का जो मानव है या जो पूर्वज आज के मानव के जो पूर्वज थे वो किस प्रकार थे। और इसके बाद भ्रूणकी से यानी कि एम्ब्रायोनी से भी बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि जो आज का मानव है उसका विकास उनके पूर्वजों के जो भ्रूण या एम्ब्रियो था उन्हीं से हुआ है। और इसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें अलग अलग एविडेंसेस मिलते हैं कि जो ह्यूमन का विकास है, जो आज का मानव है उसके विकास की जटिल प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसी प्रोसेस के लिए हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आदि मानव, या हम आदि मानव से पहले की बात करें तो सबसे पहले जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, देन उसके बाद जब पृथ्वी पर ऐसी कंडीशंस हुई जिनसे इस पर मानव का विकास, जीवों का विकास, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का विकास संभव हो पाया उनकी भी बात करें, तो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीवाश्म विज्ञान से बहुत सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया, एम्ब्रियोनिक से बहुत सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया, देन उसके बाद उन्होंने एक सीरीज बनाई या एक श्रृंखला बनाई जिस श्रृंखला के आधार पर हम अपने पूर्वजों की संरचना, उनके मानसिक विकास, उन सभी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो यही यदि हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि इवोल्यूशन की स्टडी से हमें क्या सिग्निफिकेंस है, तो हमें इससे ये सिग्निफिकेंस है कि हम यह महत्व समझ सकेंगे कि किस प्रकार से हमारा विकास हुआ और विकास कितनी बड़ी एक जटिल या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी जिसे साइंटिस्ट ने स्टडी करने के लिए जीवाश्मों की खोज की, जीवाश्मों का अध्ययन किया, जो पूर्वज थे उनके भ्रूण को कलेक्ट करके रखा, उनकी भ्रूण की स्टडी की, देन कुछ रिजल्ट दिए ताकि हम समझ सकें कि किस प्रकार से जो हमारा विकास हुआ है वो किस क्रम में हुआ है। उस क्रम को समझाने के लिए ही एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन जो चैप्टर है या जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया, ताकि हम केवल साइंस को ही ना पढ़ें, इस चीज़ को भी देखें कि किस प्रकार से हमारा विकास हुआ है या हमारी उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले इसमें वायरस आता है, तो वायरस से क्यों आता है, तो इसका भी एक प्रूफ है। जो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो मॉडर्न साइंटिस्ट हों या जो हमारे क्लासिकल साइंटिस्ट थे, उन सभी का ये मानना था कि जो वायरस है, वायरस ही पृथ्वी पर सबसे पहले जिनका बर्थ हुआ या पृथ्वी पर सबसे पहले जो उत्पन्न होने वाले जीव हैं वो वायरस हैं। और आपको पता है जो आरएनए हैं
वो पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला अनुवांशिक पदार्थ है। इसी कारण जो वायरस हैं उन्हें पृथ्वी का प्रथम जीव माना जाता है। ये कई बार ऐसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम जीव कौन है, और उसमें वो आपके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देंगे, आदि मानव, पैलियो मानव या फिर कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। तो उनमें से जो आंसर करेक्ट होगा वो है वायरस। अब हम इसको समझेंगे कि वायरस ही क्यों। तो वायरस जो है उसमें सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स और निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स, यानी सजीव और निर्जीव दोनों के आधे आधे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। यानी कि वायरस की जो संरचना है या जो उसके कार्य हैं या जो उसकी ऑटोजेनी है, या हम कह सकते हैं कि जो वायरस के गुण हैं, वो आधे जो हैं वो सजीवों से मिलते हैं और आधे जो हैं वो निर्जीव से मिलते हैं। इसी कारण जो वायरस होते हैं उनको सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी यानी कि कनेक्टिव लिंक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की जो कनेक्टिव लिंक है वो वायरस को माना जाता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग थिंग्स के सिमिलर हैं और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो नॉन लिविंग के सिमिलर हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सजीव लक्षण की, सजीव के समान जो इनमें लक्षण होते हैं सजीव सम जो लक्षण है इनमें वो ये है कि फर्स्टली आपको पता होगा कि जो वायरस है वो कभी भी जीवित कोशिका के बाहर वृद्धि नहीं करते और ना ही जीवित कोशिका के बाहर जनन करते हैं। यानी कि वायरस जो है उनको अपनी वृद्धि और उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए एक होस्ट या हम कह सकते हैं एक पोषक की आवश्यकता होती है, और पोषक के शरीर में प्रवेश करने के बाद ही ये अपनी वृद्धि और विकास करता है। तो एक या ये जो इसका लक्षण है वो सजीवों के समान है, क्योंकि सजीव भी हैं वो पोषक कोशिका के अंदर ही वृद्धि करते हैं, वो निर्जीव वातावरण में वृद्धि नहीं कर पाते। तो फर्स्ट इसका सजीव संरक्षण ये हो गया। देन इसके बाद जो वायरस है उन वायरस में अनुवांशिक पदार्थ भी पाया जाता है। आपको बताया था कि जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें आरएनए, और जो ह्यूमन वायरस या एनिमल वायरस जो होते हैं उनमें डीएनए पाया जाता है। लेकिन मोस्टली यदि हम बात करें वायरस की तो कॉमनली जो इनमें जेनेटिकली मटेरियल होता है वो आरएनए ही होता है, और जो वायरस हैं उनमें आरएनए के साथ साथ प्रोटीन की भी कुछ मात्रा पाई जाती है। इसी कारण इनको सजीव के समान कहा जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये यहाँ पे जो ये चैन है ये चैन आरएनए स्ट्रैंड है, यानी कि इस वाले वायरस का जो जेनेटिकली मटेरियल है वो आरएनए है, और इसमें जो स्ट्रैंड पाई जा रही है वो सिंगल स्ट्रैंड है, क्योंकि इसमें आरएनए वायरस पाया जा रहा है। और आपको पता है कि आरएनए जो है वो एकल सूत्री होता है या सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। देन इसके बाद साइंटिस्ट ने कहा कि जो आरएनए थे उनमें, मतलब जो वायरस थे उनमें आरएनए पाया जाता है, और उस आरएनए या न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो आरएनए और डीएनए आपको पता है न्यूक्लिक एसिड के टाइप होते हैं, तो कुछ में आरएनए न्यूक्लिक या हम कह सकते हैं जेनेटिकली मटेरियल होगा, और कुछ वायरस में डीएनए जेनेटिकली मटेरियल होगा। तो बेसिक फॉर्म में यदि हम इसको डिफाइन करें तो ये है कि जो वायरस थे उन वायरस में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता था, जैसे कि इस वायरस में आरएनए है, और इस अनुवांशिक पदार्थ के चारों ओर ये आपके लिए जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये प्रोटीन का कवच है। इस स्ट्रैंड के चारों ओर प्रोटीन की जो यूनिट्स थी वो अरेंज होती थी, और इस प्रोटीन की जो यूनिट है ये सारी प्रोटीन यूनिट्स जो हैं ये सारी प्रोटीन यूनिट आपस में मिलकर एक नई संरचना बनाते हैं, और इस संरचना के लिए हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड ये हमारी संरचना हो गई, ये आरएनए हो गया, और इसके चारों ओर ये जो है ये इसमें जो केमिकल कंपाउंड है या केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैप्सिड का होगा, यानी प्रोटीन से बना होगा, और ये सारी जो है ये प्रोटीन की यूनिट्स हैं।
और अभी मैंने बताया था कि प्लांट वायरस जो होते हैं, यानी कि जो पादप वायरस होते हैं, उनमें मोस्टली जो जेनेटिकली मटेरियल है वो आरएनए होता है। इसलिए यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर आपके लिए समझाया है, ये टीएमबी वायरस का है। टीएमबी वायरस, इस वायरस का जो पूरा नाम है वो है टुबैको मोजैक वायरस। टुबैको मोजैक वायरस जो है, इसकी खोज जो सबसे पहले तम्बाकू की जो पत्तियाँ होती हैं, उन तम्बाकू की पत्तियों में टीएमबी वायरस की डिस्कवरी हुई, और इसकी स्टडी करके बताया कि जो वायरस है उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से होता है। तो हमने बात की कि सजीव संलक्षण इसमें कौन कौन से थे, कि ये लिविंग सेल के अंदर ही रिप्रोडक्शन करेगी, इवोल्यूशन करेगी, देन इसमें प्रोटीन है, आरएनए है और न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं। इसके बाद जो सजीव समिति के बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, जिनमें से एक और कैरेक्टर होता है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का। म्यूटेशन, इसे हम हिंदी में उत्परिवर्तन भी कहते हैं। और जो म्यूटेशन है वो प्रीवियस क्लास में भी बताया था, एक बार फिर से आपके लिए रिवाइज कराते हैं कि म्यूटेशन एक चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, जो कि वातावरण के अनुसार हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उस ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। तो ये जो म्यूटेशन की प्रोसेस है, ये वातावरण में जो चेंजेस होते हैं, बहुत बड़े जो चेंजेस होते हैं और जो अचानक होते हैं और जिनकी हेरिडिटी होती है, या एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन चेंजेस के लिए हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जो म्यूटेशन है वो वायरस का एक मेन मतलब प्रॉपर्टी है, कि वायरस में म्यूटेशन पाया जाता है। देन इसके बाद हम बात करें कि वायरस में और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो वायरस है, उस वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती। तो हमने अभी बात की कि सजीव सम यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के समान कैरेक्टर। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो निर्जीव के समान भी कुछ होते हैं। निर्जीव संलक्षण, निर्जीव संलक्षण में हम बात करेंगे कि जो वायरस हैं उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉन लिविंग के जैसे होते हैं। मेनली यदि हम इसमें बात करें तो नॉन लिविंग क्या है, जिसमें कोशिका नहीं है, जिसमें कोई कोशिका द्रव नहीं है, कोई प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नहीं है। जैसे कि हम बात करें एक फैन की, तो क्या जो पंखा है उस पंखे में किसी भी कोशिका पाई जाती है? नहीं, उसमें कोई जीव द्रव्य है नहीं पाया जाता। और यदि हम पंखे को चाहें तो उसको हम क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, बहुत सारी फिजिकल जो प्रोसेस हैं उनके थ्रू। इसी प्रकार से जो वायरसेस होते हैं, जब वो जीवित कोशिका के बाहर होते हैं तब हम उनका क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं हम उनको रवे के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और इनमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता, ना ही कोई इनमें सेल पाए जाते हैं। और जो वायरसेस होते हैं, उन वायरस में एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो जीवित कोशिका है उसके बाहर निर्जीव हो जाते हैं, यानी कि ये इन्फेक्शन नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनको अपना वर्क या अपना फंक्शन करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक ऐसी बॉडी की आवश्यकता होती है जिसमें जीवन पाया जाए, या जिसमें ऐसी कंडीशंस हो, या ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन केमिकल कंपाउंड हो, या ऐसी कंडीशन हो जिसमें वो डेवलप हो सके। तो ये सिर्फ उन्हीं के अंदर ही डेवलप होता है, अदरवाइज जो वायरस है वो निर्जीव समान होते हैं जीवित कोशिका के बाहर। तो आपने देखा कि इसमें जो आधे कैरेक्टर थे वो सजीव यानी लिविंग जैसे थे, और जो आधे कैरेक्टर्स थे वो नॉन लिविंग जैसे थे। इसी कारण जो वायरस है उनको हम सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी या कनेक्टिव लिंक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म।